मैं शेयर करने वाली हूँ आज आपके साथ में ट्यूलिप सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो उसके लिए मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो ये हमने यहाँ पर डबल फोल्ड कर लिया है और इसको फिर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करूँगी। और ये यहाँ पर हमने बिल्कुल नॉट नहीं बना लिया है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा गैप रखना है। हम यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर हमें ये अपना दूसरे वाला पार्ट लेना है और इसको हम इसके ऊपर ऐसे डबल करके रख देंगे। तो यहाँ पर हमने इस कपड़े को इस तरीके से बिछा लेना है और यहाँ पे हमने ये 2.5 इंच का गैप रखना है इसमें। अगर आप हैवी साइज के लिए बना रहे हैं तो इसमें यहाँ पर 3 इंच का गैप भी रख सकते हो, पर मैं यहाँ पर 2.5 इंच का ही गैप रख रही हूँ। सलवार का निशान लगाएंगे तो मेरी सलवार की लेंथ है 37 इंच। हम यहाँ पर इसको इंच टेप को पकड़ेंगे इस तरीके से, यहाँ पर इंच टेप को पकड़ना है हमने और यहाँ पर हमने निशान लगाना है। तो हम यहाँ पे इसमें 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो मैं इसमें से 1 इंच माइनस कर दूंगी। मैं 36 इंच पे निशान लगाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। तो मैं यहाँ पर 36 इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर हमने यहाँ पर एक उंगली को रखना है इस तरीके से और यहाँ पे इंच टेप को फिर एक यहाँ पे निशान लगाना है। तो ऐसे ही हमने पूरे कपड़े पे निशान लगा देना है। ये हमने 36 इंच पे ही लगाना है और मैं अपने इन तीनों निशानों को मिला दूंगी। तो ये निशान हमारा थोड़ा सा गोलाई में आएगा, ये हमें सीधा नहीं रखना है, ये इसी तरीके से गोलाई में ही कट करना है। अब हम यहाँ पर इसको कट कर देंगे। अब इसको कट करते समय हमें ये देखना है कि हमारा ये कपड़ा यहाँ पर छोटा ना हो। तो यहाँ पर ये मेरा कपड़ा पूरा है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब हम यहाँ पर इसमें क्रॉस एरिया की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मेरी 2.5 इंच का फैब्रिक है, 2.5 इंच पे ही। और यहाँ पे जो हम अपनी क्रॉस एरिया की लेंथ रखते हैं, आसन हमें जितना पहनना है हम उतने पर निशान लगाएंगे। तो 2 इंच की मैं यहाँ पर बेल्ट लगाऊंगी, 2 इंच निकाल के मैं यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसको हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा क्रॉस एरिया तैयार हो गया है। अब मैं इसको यहीं पे कट कर देती हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं मोरी की साइड। और ये हमारी मोरी है। यहाँ पर अगर आपको ये पीछे से तिकोना पीस ही पहनना है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, पर मैं यहाँ पे इसमें 2 इंच पे कट कर रही हूँ। तो मैं ये यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसको हल्का सा यहाँ पे हम इस तरीके से कट कर देंगे। फिर हमने यहाँ पे इन दोनों कोनों को पकड़ना है। ये हमारे 4 कपड़े हैं, चारों को हमने इस तरीके से पकड़ लेना है। और इस तरीके से पकड़ने के बाद हम यहाँ पर इसमें 5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे इसको हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो हमारी यहाँ पर ये पीछे से बहुत अच्छी शेप आ जाएगी, इससे ये इस तरीके से आ जाएगी। अब हमारी ये सलवार कटिंग हो चुकी है, अब हम इसकी बेल्ट कटिंग करते हैं। और मैं यहाँ पर इसमें 24 इंच की बेल्ट कटिंग करूँगी, क्योंकि हम सलवार में ऊपर लास्टिक लगाएंगे तो इसलिए मुझे बेल्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाहिए। अगर आप बिना लास्टिक के पहनो तो थोड़ा कम कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारी 2 इंच की बेल्ट तैयार होने वाली है, तो ये मैं 5.5 इंच की कटिंग करूँगी क्योंकि हमारी बेल्ट डबल आएगी। और इसकी चौड़ाई है हमारी 24 इंच। ये हमारी बेल्ट भी कटिंग हो चुकी है, अब हम इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले इसको खोल लेना है और खोल के हमने इन दोनों पार्ट को इस तरीके से हटा देना है। पहले हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको इसके ऊपर रखना है हमने यहाँ पर। एक पार्ट हमारा ये आ जाएगा और दूसरा भी हमने इसी तरीके से फोल्ड करना है, पर दूसरा हमने साइड चेंज कर देनी है इसकी। ये जो हमारा कपड़ा है यहाँ पर ये कट हो रखा है, हमने यहाँ पे इसको चारों साइड से फोल्ड कर देना है। हमें यहाँ से इस तरीके से घुमाते हुए लेके जाना है और यहाँ तक इसको चारों साइड से हम फोल्ड कर देंगे। दोनों पार्ट्स को हमने इसी तरीके से करना है। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको और आप वीडियो को बिना स्किप करे देखना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ये बाय स्टेप आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, अब हम आ गए हैं मशीन पर और अब हम इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से रखी हुई है अपनी सलवार
और हमें यहाँ पर इसको बारीक बारीक फोल्ड कर देना है इस तरीके से। ये हम यहाँ पे पूरा फोल्ड करेंगे और यहाँ से लेके आएंगे हम इसको, फिर यहाँ पे घुमाते हुए फिर हमें ये सिलाई यहाँ पर लेके आनी है। इसको हमें दोनों साइड से सिल देना है। यहाँ पर हमें एक एक पैर का कपड़ा फोल्ड करना है और इसको डबल फोल्ड करके हम पूरे पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको सिल लिया है इस तरीके से। और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है जो बाहर आएगा, इस पर हम यहाँ पर लेस लगाएंगे और हम लेस यहाँ पे, ये जो हमारा अंदर वाला पार्ट है इस पर 10 इंच तक लगाएंगे। यहाँ पर लेस नहीं लगानी हमने क्योंकि ये हमारा पार्ट अंदर छिप जाएगा, तो हम इस पर लेस लगा लेते हैं। यहाँ से मैं इस पर लेस लगाने स्टार्ट करूँगी। मैं जिगजैग लेस यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हो। ये मैंने अपने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं, इस पर भी लेस लगा दी इस तरीके से और ये हमने लेस लगा दी है। अब हमें इस तरीके से रख लेना है सलवार को और ये यहाँ पर मैंने इसमें 4 इंच का गैप रखा हुआ है दोनों पे। आप अगर किसी हेल्दी के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा गैप ज़्यादा भी कर सकते हो, 5 इंच का कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर ये 4 इंच का रख रही हूँ। अब हम इसको यहाँ पर पिन से अटैच कर देंगे इसको, जिससे हमारा कपड़ा ये आगे पीछे ना हो। यहाँ पे हमने ये पिन लगा दी है इसमें, इस तरीके से पिन का लगा देना। अब हम यहाँ पे हमने ये इतना छोड़ना है। नीचे से मैं ये 6 इंच का गैप रख रही हूँ यहाँ पर और यहाँ से हम इसको सिलाई लगा देंगे पूरे में। हमें ये इस तरीके से उठाना है, ये हमने नीचे छोड़ देना और फिर यहाँ पर पूरे पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सिलाई लगा दी है मैंने इन दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है यहाँ पे। अब हम इसका आसन ज्वाइंट करते हैं। आसन को हमने इस तरीके से रख लेना है खोल के, हमने इस तरीके से इस पार्ट को सीधा रखना है और इसको इसके ऊपर उल्टा रख देना है यहाँ पे। और फिर हम इसको यहाँ पर राउंड में इस तरीके से सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। ये यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है इस तरीके से दोनों साइड। आसन जॉइंट हो गया है हमारा, अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें अपनी बेल्ट अटैच करनी है इसमें, तो मैंने बेल्ट काटी हुई है। यहाँ पे हम इसमें दोनों साइड कट लगा देंगे एक एक। ये बीच सेंटर में हमने यहाँ पे आसन को पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद एक कट हम यहाँ पे लगा देंगे और एक कट हम इस साइड लगा देंगे यहाँ पर। तो चलिए हम इसकी बेल्ट तैयार करते हैं। 24 इंच की बेल्ट काटी थी मैंने इसमें और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पर एक तो हमारी ये सिलाई है, एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे इसमें और फिर हम इसको ऐसे 4 फोल्ड करेंगे और 4 फोल्ड करके एक कट हम यहाँ पर लगा देंगे। ये हमारे 3 कट लग चुके हैं, 2 कट यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 ये हमारा सेंटर है। इसी तरीके से हमने इसमें भी यहाँ पे कट लगाया हुआ है दोनों साइड। ये हमने यहाँ पे कट लगाए थे और ये हमारा आसन है, आगे का पार्ट है। तो हम इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने इसमें बेल्ट ज्वाइंट करनी है अपनी और हमें यहाँ पर हमें प्लेट नहीं डालनी है, यहाँ से हमने प्लेट डालने स्टार्ट करनी है। और जो हमारा ये कट है यहाँ पर, ये हमने कट लगाया हुआ, इससे हमने इधर यहाँ पर इतनी जगह पे ये प्लेट डालनी है। यही प्रोसेस हमें चारों साइड करना है। नीचे की साइड मैंने बेल्ट रखी हुई है, ऊपर मैंने ये अपना सलवार का कपड़ा रखा है। ये हमने यहाँ पर, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जहाँ तक हमारी ये सिलाई आ रही है, इसको हम ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे। ये हमें दोनों कपड़ों को पकड़ना है इस तरीके से और यहाँ पे हम 1-1 इंच की प्लेट डालेंगे। यहाँ पे ये कट है हमारा बेल्ट का सेंटर पार्ट है और ये हमारी सलवार का सेंटर पार्ट है, हम दोनों कट को मिलाकर रख देंगे। अब यहाँ पे फिर हमने ये 4 अंगल का ऐसे ही कपड़ा सीधी सिलाई लगानी है। सीधी सिलाई लगा के हम सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। ये हमारा
कट लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये हमारी जो बैक वाला आसन है ये सिलाई हमारी यहाँ पर आएगी इस तरीके से, हमने यहाँ पर रख देना। अब जो हमारा ये कपड़ा है इसमें हम यहाँ पर प्लेट डाल देंगे, आप इसी तरीके से कटिंग करके छोटे बच्चे की सलवार भी बना सकते हो, ट्यूलिप सलवार बड़ी भी बना सकते हो, बस आपको फॉर्मूला यही यूज़ करना है, नाप आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो किसी भी तरीके से। यहाँ पर ये हमने इसके ऊपर रख दिया है कट के कट ऊपर, और ये हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सेम हमने अब यहाँ पर भी ऐसी प्लेट डालनी है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर भी करें। यहाँ पर भी हम ये कट पे कट मिलाकर रख देंगे। अब हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट आ गया है, अब हम यहाँ पर भी इसमें प्लेट डालेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। ये यहाँ पर हमारी चारों साइड की प्लेट डल के रेडी हो गई हैं इस तरीके से, ये चार चार पांच पांच प्लेट आई हैं हमारी चारों साइड, मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमारी प्लेट आई है यहाँ पर, ये हमारी बैक वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब हम यहाँ पर इसमें इलास्टिक लगाएंगे, तो ये मैंने 13 इंच की इलास्टिक ली हुई है। इलास्टिक मैंने जितनी हमारी कमर का मेजरमेंट आता है उसे 5 इंच कम लेनी होती है हमें, तो मैंने अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग ये ली है 13 इंच की इलास्टिक। अब हम इसको पहले यहाँ पर अच्छे से पका कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये 3-4 सिलाई लगा दी है इसे पका करके, जो ये खुलेगी नहीं। और हमें यहाँ पर बेल्ट की लेंथ रखनी है 2 इंच तैयार, तो मैं यहाँ पर ये 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये हमने 2 इंच की तैयार रखनी है बेल्ट, और एक निशान मैं यहाँ पर भी लगा दूंगी इससे। ये हमने तीनों साइड निशान लगा दिया है। बेल्ट के अंदर अपनी इलास्टिक को रखेंगे यहाँ पर, और हम इस तरीके से इसको, ये हमारा निशान लगा हुआ है यहाँ पे, हमने इस तरीके से पकड़ना है। और ये जो हमारी सिलाई लगी हुई है, हमने जो प्लेट्स डाली हैं इस सिलाई के ऊपर, हम इसको इस तरीके से रख देंगे और यहाँ पर सिलाई करना स्टार्ट कर देंगे। ये हमने पूरी बेल्ट पे इसी तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से रखना है और इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तरीके से हम इसको इलास्टिक को खींचेंगे और खींच के फिर हम यहाँ पर भी इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। इसको थोड़ा थोड़ा खींचते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। ये यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको 3-4 बार ऐसे स्ट्रेच कर देंगे यहाँ से, और इसको स्ट्रेच करके एक सिलाई हम यहाँ पे इलास्टिक के ऊपर ऊपर लगा देंगे। तो गाइस अब हमारी सलवार कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो चलिए गाइज, हमारी सलवार का फाइनल लुक कुछ ऐसा आ रहा है। और अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।